24/5/1904 6/6 शनिवार तारीख 7/10 18 दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी ने श्री समय सार शास्त्र में जीव जीव अधिकार ना श्लोक उपद्रिश नो भावार्थ अने गाथा 36 पर स्वर्णपुरी में प्रवचन श्री समय सार शास्त्र पर 19 वक्त ना सर्व प्रवचन नंबर 102 नमो नोई सौरियंतानम नमो नोई सौदानम नमो नुरी सौ आयरियान नमो नुरी सौ जयन नमो नुरी सौ त्रिकालवती श्रावण ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामदम औषधों से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगल नम समय स्वानुभूत्या तथा स्वाय भवाय त्रिगाता कलश है ने ओगणत्री का कलश उसका भाव यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत है। कहा क्या के धूबी ने त्या कोई वस्त्र अपना नहीं पण पर का लेकर सो गई थी। वो जिसका वस्त्र था वो आया उसको जगाया कि आ वस्त्र मेरा है तेरा नहीं, तो उसको वस्त्र छोड़ दिया। दृष्टि ये वस्त्र मेरा नहीं। ऐसे धर्मात्मा संतो ज्ञानी हो ये चला हम बोलो फिरता गणी शू के समझाए समझ में आया। ये वस्त्र ने दृष्टांत के से वस्त्र मेरा है तेरा नहीं ऐसा कहा दूसरे तो वस्त्र छोड़ दिया। दृष्टि में से मेरा नहीं ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा ही ऐसा कहा कि तेरी चीज जो आत्मा आनंद स्वरूप है उसमें तुम पुण्य पाप का भाव मेरा होकर माने के सोते हैं अज्ञानी, ये तेरी चीज नहीं। हा 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 समझ में आया। अपना आत्मा संत हुई मुनि हुई दिगंबर हुई अथवा केवड़ी हुई आई तो संतो छदमस्तनी पंचमाराणी वाचन है। भावलिंगी संत दिगंबर मुनि उसको ऐसा कहा कि तेरे में जो अशुभ शुभ राग उत्पन्न होता है दया दान व्रत भक्ति आदि का राग हिंसा झूठ चोरी का राग ये चीज तेरी नहीं, ये तो कर्म ना भावक से उत्पन्न हुई भाजक विकार दिशा है। तेरी चीज तो उससे भिन्न है। समझ में आया। ऐसा सुनकर यहां तो ये कहते हैं कि प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा ऊपर दृष्टि पड़े उसे पूर्व अर्थात ज्ञानी ये कहा भगवान तेरी चीज अंदर पुण्य ने पाप का राग से भिन्न है ऐसा कहा तो कहते हैं कि सुनकर उसको भेद ज्ञान हुआ नहीं। ये वाणी भाई ये पहला तत्काल भेद ज्ञान हो गए उसका अर्थ ही ये वाणी सुनी ये पहले ना भेद ज्ञान हुआ उसका अर्थ ही वाणी सुने उससे भेद ज्ञान नहीं हुआ उसका अर्थ ही समझ में आया। जीनी बात है भाई ये मार्ग बहुत जीने सूक्ष्म है अनंत काल की कभी उसने दरकार किया ही नहीं। ये
संत वही ऐसा कहा कि तेरी चीज अंदर जो है उसमें जो शुभ शुभ राग उत्पन्न होता है ये तेरी चीज नहीं, ये तो कर्म का भाव की उपाधि भाव है। ऐसा कहा तो आए तो कहते हैं कि कहा पहले भेद ज्ञान हो गया, उसका अर्थ कि सुनने से नहीं हुआ, एम कहते हैं भाई। अंतर में भगवान आत्मा राग ने पुण्य पाप का भाव विकृत पर है, मैं तो ज्ञान दर्शन जानने वाला आत्मा हूं, ऐसा जहां अंतर में भेद ज्ञान हुआ तो सुनने पहले हो गया, ऐसा कहा उसका तक सुनने से हुआ नहीं। हा 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 समझ में आया। अंदर भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु है, उसके जाना कि संत हुई तो ऐसा कहा कि राग आदि दया दान व्रत भक्ति का राग भी विकार है, ये मेरी चीज में नहीं, ये कर्म निमित्त भावक है उसका वो भाव्य है। हा हा हा, मेरी भाव्य चीज नहीं, मेरा तो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव वो पढ़े मैं पढ़ू, ये मेरी भाव्य नहीं, मेरा भावक मैं हूं। हा हा हा, आखिरी बात बहुत मत भाई पुचका पुचकाण आनो नाम पुचकाण, पुचकाण का अर्थ अंदर जी राग भाव था ये मेरी चीज नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप हूं, ऐसा राग से प्रकट अपना शुद्ध स्वरूप का परिणमन स्वसंवेदन हुआ उसका नाम प्रत्याख्यान कहने में आता है। उसका नाम चारित्र कहने में आता है, उसका नाम राग का त्याग कहने में आता है। निमित्त से ये प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व उसका अर्थ ही अरे वहीं पड़ी क्या पूर्व पूर्व नाम ये हुआ तो उससे अंदर भेद ज्ञान नहीं हुआ यूं का। यही बात बहुत बड़ी सम्यक दर्शन पूर्वक प्रत्याख्यान, पचखान प्रत्याख्यान इसको कहे कि जहां ये वाणी सुनी ये उससे अंदर गई नहीं। मेरा स्वभाव आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप दर्शन उपयोग स्वरूप, और राग में जो उपयोग जता है ये विपाधि उपाधि भाव है, ये उपाधि भाव पर का है ऐसा जानकर अपना ज्ञान स्वभाव ज्ञान में रही और राग में जुड़ान न हुआ, राग का त्याग हुआ, ये स्वरूप स्थिर हुआ, उसको प्रत्याख्यान चारित्र संवरण निद्रा धर्म कहते हैं। अभी बात मुझे भाई समझ में आया, अरे ये तो अनंत बार सुना है पर अनंत दृष्टि से किया नहीं है, एम कहते हैं समझ में आया, आए तो सुना तो करा पर सुनने से नहीं हुआ एम कहते। मैं तो आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु आत्मा हूं,
राग आदि पर्याय में जो होता है मेरी चीज नहीं, ऐसा जब संगत दर्शन में भान हुआ वही तत्काल राग में न जोड़ता स्वरूप में फिर हुआ एम कहते हैं। जीनी बात से भाई बापू मार्ग राखो जुदी जाते समझ में आया। ये तत्काल हो गया क्यों? ये प्रसिद्ध है वस्तु को पर की पर को जान लेने से बाद ममो तो नहीं रहता। मैं तो आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप हूं ऐसा राग से भेद करके संग दर्शन हुआ और राग में पृथकपणा प्रणमन करके राग से पृथकपणे प्रणमन करके अंतर में प्रत्याख्यान नाम चारित्र हुआ। समझ में आया? ऐसी बात है भाई, लोग को तिथिया तकरार करते ना कि दया दान व्रत भक्ति का परिणाम हो उससे उससे सम्यक दर्शन ज्ञान होता है उससे चारित्र होता है तो आए तो ये कहते हैं कि व्रत आदि का विकल्प जो राग है वो पृथक है मेरी चीज नहीं और उस रूप में मैं प्रणमो नहीं, तब उसका नाम चारित्र ने प्रत्याख्यान कहने में आता है। अभी बात से भाई शू खाए जगत अनादि से हैरान हो गया है। समझ में आया? ये प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जाने शब्दों भले हो पर उसका भाव क्या है। संतो ही तो कहा प्रभु तू आत्मा तो ज्ञान दर्शन ने आनंद स्वरूप है ने प्रभु, ये राग ना परिणाम जी आदि व्रत शुभ शुभ होता है ये तो द्रव्य स्वभाव का भाव नहीं, ये वस्तु का स्वभाव का भाव नहीं, ये भावक होके भाव हुआ ये नहीं, ये तो कर्म निमित्त भावक होकर भाव हुआ है। आ हा समझ में आया? आई बात ये कछों पड़े थे ना मानस ने, इसलिए तो व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है, ऐसा चलाता है बेचारा, लोगों ने खबर न मिले बेचारा। आई तो व्यवहार का राग उससे मैं पृथक हूं ऐसा भेद ज्ञान पहले किया, पीछे राग में परिणमन न किया अने स्वरूप में स्थिर हुआ त्यारे उसको नाम प्रत्याख्यान चारित्र राग का त्याग रूप परिणमन उसको कहते हैं। पशु को पर की जान लेने के बाद मम तो नहीं रहता। लड़का का लगन हो और उसको बरगोड़ा चलते हैं ना, क्या कहते हैं जलसा बरगोड़े, तो कोई कम ग्रस्त का दागी ना जाए तेरे, पर वो जानते हैं कि मेरा नहीं, दो दिन तक रखा है लगन करके ना ग्रस्त हो कोई कुटुंबी कोई करोड़पति उसके पर 5-10 हजार का हार लिया है वो तो हार पैरते हैं पर उसका ख्याल में आया कि चीज मेरी नहीं, मेरी लक्ष्मी में उसकी गिनती नहीं गिनने में आता है, मेरी लक्ष्मी है उसमें आ गिनने में नहीं आता। ऐसे भगवान आत्मा का आनंद में ज्ञान स्वरूप का भान हुआ
क्या राग है पर है ऐसा भान हुआ तो राग रहा थोड़ा तो अपने मेरा है ऐसा नहीं, पीछे फिरता जब हुई आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया। राग में परिणमन का तो भेद ज्ञान तो पहले कहा था, ये उपरांत उसमें जुड़ान न हुआ अने आत्मा का उग्र आश्रय लेकर आत्मा में स्थिरता शांति आनंद आदि उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रत्याख्यान चारित्र धर्म कहने में आता है। समझ में आया मुश्किल बापू, यानी ये कड़ी पर समझ भी तो सिद्धांत उत्तराग्नि वाणी है आपने साधारण ये नहीं है। हिंदू पर जैने सुनने में सिंह सुनते थे भगवान की वाणी से सुन ये वाणी कोई अलौकिक है, ये वाणी में आ कहा है कर कहा था ना भाई नहीं आज्ञम देव ने गुरु गुरु ये ऐसा कहा संत मुनि भावलिंगी आनंद का वेदन भावलिंग में उत्कृष्ट भाव का बहुत वेदन है, संपूर्ण उत्कृष्ट नहीं पर उसकी दिशा ने युग प्रचुर स्व संवेदन है आनंद का वेदन है ये मुनि एक गुरु ये उसको संभलाया बारंबार का प्रभु ते राग ने पुन का भाव तेरा नहीं तेरे में नहीं ये तो उपाधि भाव दुख रूप भाव तुम आनंद रूप भाव नाथ ये आनंद रूपी दुख रूपे भाव पर मैं तेरी चीज नहीं है। तो एक आज गुरु ये कहा तो पीछे ऐसा लिया कि आज्ञम राग सुनकर तो उसका अति वाणी है आज्ञम है परमाज्ञम सर्वज्ञ भगवान की वाणी यानी गुरु की वाणी है सर्वज्ञ की वाणी है सदेव की वाणी आई गुरु की वाणी आई ने शास्त्र आया तीनों की ये आज्ञा है भगवंत तेरे स्वरूप पुण्य पाप ना भाव राग ने विकार है उसने तेरी चीज भिन्न है तो उसमें जा और राग में न रुके समझ में आया हरी बात मुझे रोको ने मोगी पड़े थे रोको बेचारा बीजे रस्ते चढ़ावी दीदा अज्ञान ने रस्ते आ करो आ करो आ करो भक्ति करो पूजा करो दान करो व्रत करो ये तो बड़ा राग है करते करते कल्याण हो जाएगा। राग करते करते जहर पीते पीते लसन खाते खाते कस्तूरी का डकार आएगा ऐसा है नहीं भाई अनेक प्रकार करता वस्तु को पर की जान लेने के बाद ये पुण्य ने पाप का भाव मेरा नहीं नव तत्व है ना तो नव तत्व में जो शरीर वाणी मन आदि है तो अजीव तत्व है अने दया दान व्रतना परिणाम ये पुण्य तत्व है और हिंसा झूठों चोरी ये पाप तत्व है दो मिलकर आश्रय तत्व है मेरा आत्मा तो विनायक भिन्न तत्व है नहीं तो नव तत्व नव नहीं होगा ऐसे जानकर राग रूप भी परिणमन की ममता थी ममता छूट गई अने आत्मा आनंद में ज्ञान में थीर जम गया
उसका नाम प्रत्याख्यान, उसका नाम चरित्र, ये चरित्रम कहो तुम वहा धर्म है। समझ में आया? अब ये 35 गाथा का कवच के बाद अब इस अनुभूति से आत्मा विनायक स्वरूप चैतन्य प्रभु उसकी अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभूति आत्मा आनंद स्वरूप, ऐसे आनंद के अनुसरी ने अपनी दशा में अनुभूति आनंद की हुई, ज्ञान की हुई, शुद्ध स्वभाव अंशी चारित्र की दशा हुई, ये अनुभूति ये वितरागी पर्याय। हाँ, ये प्रत्याख्यान ही वितरागी पर्याय है, ऐसे या ये अनुभूति वितरागी पर्याय है, उसकी बात विशेष करते हैं। हाँ, ये अनुभूति से प्रभाव का भेद लेना कैसे हुआ है अंदर टीका में, कथम अनुभूति प्रभाव को भूत इति आशंक हो, आशंका हो, शंका नहीं। ये अनुभूति से प्रभाव का भेदना कैसे हुआ, ये पुण्य ने पाप का भाव विकार और उससे भगवान भिन्न ऐसी अनुभूति कैसे हुई। तो बताया तो है, विशेष स्पष्ट विशेष करना है, प्रत्याख्यान उपरांत अंदर तीर्था विशेष बढ़ाना है। ऐसी आशंका करके, आशंका नाम समझने की अभिलाषा, शंका नहीं, तुम कहते झूठ है ऐसा नहीं, पर तुम कहते ही मैं समझ में आया नहीं, क्या कहते तुम कि पुण्य पाप का भाव से भगवान भिन्न भेद ज्ञान हुआ, मैं अनुभूति हुई, क्या कहते हैं आप? मेरे समझ में आया नहीं प्रभु। शंका नहीं करते, शंका का अर्थ तुम कहते हैं झूठ है ऐसे नहीं, पर तुम कहते हैं मेरे समझ में आया नहीं, उसको नाम आशंका कहते हैं। इसकी मर्यादा कितनी लिया देखो है। ऐसी आशंका करके पहले तो जो ये भावक भाव, मोह कर्म के उदयरु भाव, भावक भाव समझे, भावक नाम कर्म जो है ना, मोह भावक ही, उसका लक्ष्य से, उसका निमित्त के वश से जो विकार पुण्य पाप का भाव होता है, ये भावक का भाव है, नायक का भाव नहीं। आमो जीणु प्रणमय क्या मेरे थान बान मामले नहीं, तुम वादी मामले नहीं आगे बात जमा ने जन्म मरण में अंत लाना हो। तो कहते हैं प्रभु मेरी शंका आशंका है कि ये अनुभूति से प्रभाव का भेद कैसे हुआ, आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु उसका अनुभव हुआ, ये अनुभूति से राग का भेद ज्ञान कैसे हुआ, उसमें राग जुदा कैसे पड़ गया। समझ में आया? भावक भाव, मोह कर्म के उदय रूप भाव, उसके भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। 36 नथी मम को भी मोहो भोजनी वो गए विको तम ओनी मम तम समय सियाणिया बिन्ती कुछ मोह मेरा नहीं उपयोग केवल एक में इस ज्ञान को विनायक समझ के
वो निर्ममता है। पहले गाथार्थ ली, जो जाने जो आत्मा ऐसा जाने कि मो मेरा कोई भी नहीं, वो शब्द पर तर्प का सावधानी का विकार भाव ये मेरा नहीं। मेरा तर्प का सावधान भाव शुद्धता आनंद आदि मेरा भाव है। समझ में आया? जो यह जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, राग का विकल्प चाहे तो दया ना दान ना वारी भक्ति ना के तीर्थों के उत्तर बांधे ऐसा भाव, पर ये मेरा नहीं। क्योंकि तो राग है, बंध का भाव एक निर्म धर्म नहीं, बंध का कारण रूप भाव ये तो विकार है। ये भावक का भाव है, मेरा नहीं। मैं भाव विनायक स्वरूप भावक होकर पर्याय होती है ये नहीं, ये तो कर्म का भावक होकर भाव हुआ, ये मेरी चीज नहीं। अरे आ तुम हो तुम पे आए तो हजी सम्यक दर्शन ज्ञान में ऐसा भेद ज्ञान होता है। समझ में आया? यह जाने के मोह मेरा कोई भी नहीं, एक उपयोगी मैं हूं, मैं तो जानन देखन ज्ञाता दृष्टा ये उपयोगी मैं हूं। धर्मी ने ऐसा भेद ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान होता है, तो मैं तो जानन देखन उपयोग स्वरूप हूं। ये परतप का जितना भाव होता है सावधान में, ये मेरा नहीं। मेरा स्वभाव की सावधानी से भाव हुआ ये मैं हूं। समझ में आया? एक उपयोग ही मैं हूं, भाषा देखो, उपयोग एव से न, उपयोग एव नित्य। सम्यक दृष्टि अपना आत्मा में मैं ज्ञानन लेकर हूं, ये हूं। राग ने द्वेष का विकल्प जो उठते हैं इनमें नहीं। व्यवहार रत्न तरह का राग जो उत्पन्न होता है, देवगुरु धर्म की श्रद्धा शास्त्र का ज्ञान का विकल्प विकल्प का और शकाय का दया का भाव का विकल्प का, ये सब मेरी चीज नहीं। मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग ही मैं हूं। ज्ञान दर्शन उपयोग ही मैं हूं, कथन चीता हूं कथन चीता हूं ऐसा नहीं। समझ में आया? उपयोग ही मैं हूं। सम्यक दृष्टि धर्म ने पहली शुरुआत वाला, धर्म ने पहली सीढ़ी प्रकट करने वाला ऐसे जानते हैं। जानन देखन उपयोग ये मैं हूं, एज मैं हूं, राग भी मैं हूं, आ भी मैं हूं, ऐसा नहीं। हाँ निकांत है। हूं। और ऐसे जानने को
सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जानने वाले मोह से निमित्त जानते हैं, ऐसा जीव को मोह से ममत रहित जानते हैं। किसको? कि जे कोई अंतर में अपना ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप में हूं ऐसे जी जानकर अंदर रहते हैं, उसको सन्मग मुनियो सुनते उसको मोह से निमर्त तो कहते हैं, ज्ञानियों उसको मोह से निमर्त कहते हैं। बात है हा माप आपकी बात भाई, ज्ञान तो अनुस्वार बनी गयो पर एम कई लड़ू नहीं। हा यहाँ कैसे? हा 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 ऐसे जानने को सिद्धांत का अथवा स्वपर स्वरूप का समय से न समय समय नाम सिद्धांत था समय नाम स्वपर स्वरूप का जानने वाला संतो मोह से निवृत्त जानते हैं कहते हैं। जिसने अपना स्वभाव जानंदेकन शुद्ध उपयोग में हूं ऐसा आया पची राग मेरा हूं नहीं ये तो अंदर आ गया ऐसा जो हुआ उसको मोह से निममत्व समती संतो कहते हैं। हा ये तो इतना आया कि मैं एक उपयोग ही मैं हूं आज नहीं हूं ऐसा पहला न आया वन ऐसे जानने को ऐसे जानने वाले जीव को सिद्धांत के न स्वपरजर के जानने वाला संतो दिगंबर मुनियो भावलिंगी संतो एम कहते हैं कि जे कोई आत्मा मैं जानम देखन ही हूं ऐसा उपयोग में रहा उसको ज्ञानी संतो मोह से निर्मत उसको कहते हैं। समझ में आया? अभी बात मुझे हरी घाता हूं पनीर की भूखो जरी शांति थी सांभे तो एने। आओ मार्ग से भाई हजी तो प्रथम सम्यक दर्शन ने ज्ञान प्रगट करवा माटे अने एनी साथे पछी प्रत्याख्यान प्रगट थवाय एने आ विशेषता अनुभूति नु वर्णन विशेष करे छे छठी अछत्ती छत्री साड़त्री आड़त्री मां पूर्ण करी देशे। टीका निश्चय से यह मेरे अनुभव में फलदान के सामर्थ्य प्रकट होकर पाठ में तो ऐसा हितने आया है कि मैं तो ज्ञान उपयोग में हूं और टीकाकार विशेष स्पष्ट करते हैं कि आई एम और करे थे पाठ में इतना दिया समझे नथी मम को भी मोह बुझी वो विवाह हम क्यों उपयोग जब मैं हूं ऐसा आया नंदी नथी मम को हो मोह ये विशेष स्पष्टीकरण टीका में कहते हैं। हा हा ये तो पहले आया ये मेरा कोई संबंधी नहीं तो आ गया राग आदि मेरे कोई संबंधी नहीं तो ठीक गाथन आ गया मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप ही हूं मैं आ नहीं पहले आ गया। हाँ हाँ का विकल्प जी उठती है लागणी ये मैं नहीं चाहे तो शुभ हो के अशुभ हो ये मैं नहीं बस इतना क्या रही अरे मैं हूं क्या
मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोगी मैं हूं। जानना देखना उपयोगी मैं हूं। ऐसे जीव को मोह निमित्त कहते हैं। और टीका, मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य प्रकट होकर भावक रूप होने वाला पूर्व द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं। मोह कर्म जड़ है, उससे रचित विकार भाव। मैंने कि मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य प्रकट होकर मेरी पर्याय में भी भावक कर्म से विकार भाव फलदान मेरी पर्याय में आता है। ये पुद्गल तो रहती मोह मेरा कुछ भी नहीं। ये तो कर्म से रचित है, आत्मा से रचित नहीं। भगवान आत्मा ज्ञायक चैतन आनंद स्वरूप, उसकी रचना से विकार नहीं। कर्म ना भावक से उत्पन्न हुआ मेरी पर्याय में फलदान शक्ति विकार मोह, ये उसका भावक का भाव है। समझ में आया? आओ से भाई, हम तो साधारण वाची जैन बड़ी बातों कर अंदर पढ़ू उठव कठन भाई। हाँ धर्मी ज्ञानी सम्यक दृष्टि भेद ज्ञानी एम अनुभव में आते हैं कि जिया पर्याय में फलदान सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप उद्गृत के रचित मोह है मेरा कुछ भी नहीं लगता। राग के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध तो विनायक भाव साथ संबंध है। चाहे तो दया दान व्रत आदि का राग राग है, ये राग के साथ मेरे कुछ संबंध नहीं। हिंदी पर साधु भाषा से गुजराती वाला हम जाएंगे। भावक भाव होने वाला पुद्गल द्रव्य से रचित जड़ से रचित। स्वभाव से रचित नहीं, भगवान आनंद स्वरूप हो उसके रचित तो आनंद आता है। तो आ तो जड़ कर्म से रचित विकार विकृत भाव। मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, मोह साथ मेरा कुछ कहीं पर नहीं संबंध, एम कहीं पर नहीं संबंध। उद्गर द्रव से अर्जित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि संकुत किरण एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक स्वभाव भाव का। क्यों? मैं तो टंको उत्कीर्ण चैतन अणघिया कर्तव्य, चैतन ज्योति भगवान टंको उत्कीर्ण टाका से जम खोद कर निकाले चीज, ऐसी चीज मैं हूं अंदर। शाश्वत विनायक चैतन मूर्ति मैं हूं। एम धर्मी अपना स्वभाव को एक विनायक स्वभाव, देखो एक विनायक स्वभाव भाव, विकार भाव था ये भावक का अनेक रूपी उपाधि भाव था।
टंकोट किरण एक विनायक स्वभाव भाव, विनायक स्वभाव भाव, विनायक स्वभाव भाव, वो भावक का विकारी भाव, मन पाप का भाव, भावक का विकारी भाव, और मेरा स्वभाव स्वभाव विनायक स्वभाव भाव। हाँ हाँ, क्या परमार्थ है? पर के भाव द्वारा बाना आवश्यक है, भाव रूप करना बनाना जल है। हा हा, ये मेरा पर्याय में भाव रूप बनाना आवश्यक है। हा हा हा, कर्म भावक है उसके ये साधन से भिकारी पुण्य पाप का भाव होता है भाव। तो मैं ये भाव होना आवश्यक है। हा हा हा, आओ जीवन पर कृष्ण करे। हा हा, एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ है पर के भाव द्वारा, कि पर का भाव है। आ हा, भाना एक न्यायिक स्वभाव भाव के द्वारा पर का भाव द्वारा भाना भाव भोगना अशक है। फिर धर्मी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान काल में अंतर में एक स्वभाव विनायक स्वभाव भाव रूप में ये भाव का जो विकारी भाव पने भाव मेरे में हो अशक है। हा हा हा, तो अध्यात्म शब्द है बापा, आ कई वार्ता कथा नहीं, परमात्मा स्वरूप की कथा। धर्मी वेद ज्ञान के काल में आप समझाए तो दे, समझा रहे नहीं कहीं मैं आवाऊ आवाऊ में तो विकल्प है, तो ऐसा होता है अंदर है। एक न्याय स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा बाना अशक है, ये भी जो ये तो पण ये विकल्प संपन्न अंदर होता है भाव, मेरा स्वभाव भाव है ये पर का कारण से भाव होते है, ये भाव मेरा नहीं, इतना ज्ञान में अनुभव में आता है बस। अब बात तो करते था तो ये तो भेद ने विकल्प से बात है दे। वेद ज्ञान ने काल में आ मैं आ मेरा नहीं आ मैं, ये भी वेद विकल्प है, आता है ना वेद ज्ञान में आता है पुरुष में, वेद ज्ञान पर विकल्प है, केवल ज्ञान ही बैठे नहीं पुरुष में आते, पर समझाओ मैं शू समझा कई रीते समझा, एने अंतर में विनायक भाव भगवान आत्मा तरफ का झुकाव ये मैं हूं ऐसा अनुभव में आया बस। हवे आप विषय समझाया कि ये काल में भाव कर्म का भाव से भाव होने में मेरी शक्ति असत है, मेरा स्वभाव असमर्थ है, विकार रूपे होना ही मेरा स्वभाव अशक है, मेरा स्वभाव में सामर्थ्य ऐसा है नहीं। समझाई से आऊ से अरे परमार्थ से पर के भाव द्वारा बाना अशक है। हा मैं तो संकेती ज्ञानी वेद ज्ञानी
अंतर में भाव रूपे प्रणते हैं तो ऐसे कहते हैं कि मैं तो एक स्वभाव भाव विनायक भाव से राग का भाव पड़े प्रणमना अशक्य है। मैं तो मेरा न्यायिक भाव स्वभाव पड़े प्रणु ये मेरा सच है। हा हा है? अशक्य से के असंभव से नहीं प्रणते ही नहीं। सम्यक दृष्टि चारित्रिक बात देता है ना, सम्यक दर्शन में प्रणते थे जी, सम्यक दर्शन था तब पर्याय में, पर वो पर्याय है एक भाव का भार है। हमें यहां आगे जाना है ना, ये मेरी चाहे तो प्रत्याख्यान ने भेद ज्ञान बताना है ना, परदेव से नथी मम को भी मोह एम बताना है, मोह निमत्तम बताना है। धीमे थी समझू भाई, अंतर की चीज है आ तो, ये कोई बाहर से मिले ऐसी चीज नहीं, बाहर में है ही नहीं, जहां अंदर में है त्या बाहर में क्या है। यहां तो राग ने पुन का परिणाम पड़े पर मेरा भाव प्रण में ही अशक है। ऐसा होकर मोह प्रति निर्ममत होकर स्वभावति सावधानी होकर फिर होता है। समझ में आया यही बात है। साधारण मानस ने तो कहीं पकड़ा ही नहीं, सुन के चार बोलो तो हम जाए तो व्रत करो, भक्ति करो, यात्रा करो, हम जाए तो करूं शू समझू तो रागे राग करो 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 एम हूं से या तो मरो से। भाषा के पूतगण द्रव से रचित मोह पर्याय में राजा भी है, ये पूतगण द्रव से जड़ द्रव से रचित मोह। क्योंकि मोह भाव ये जड़ है, चैतन नहीं, विकारी मोह भाव ही जड़ है, जड़ कर्म से रचित मोह भाव। मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंक उत्कीर्ण एक न्याय स्वभाव भाव का परमार्थ से खरेखर परमार्थ से दृढ़ स्वभाव से पर के भाव द्वारा भाना अशक है। नीचे जरी अर्थ करो सन बीजो जरी चीज गाथा का दूसरा अर्थ जब यह है शब्दार्थ है ना, किंचित मात्र मोह मेरा नहीं है, मैं एक हूं ऐसा उपयोग ही आत्मा ही जाने, आत्मा ही जाने के उपयोग आत्मा को समय के जानने वाले ऐसा आत्मा को आत्मा के जानने वाला मोह को निर्मत कहते हैं। ऐसा एक गाथा अर्थ आ रही थी पर होता है। एक न्याय स्वभाव भाव का परमार्थ है पर के भाव द्वारा भाना सत्य। अशक्य कौन का संभव नहीं है का कहते एक बात है, ये तो शब्द फेर पड़े। मेरा ज्ञायक स्वभाव भाव
विकार पड़े होने में असंभव है, अशक्य है, अलायक है, अयोग है। समझ में आया? हाँ, तो कीर्तन ही बात करना है ना। प्रत्याख्यान का विशेष, वेद ज्ञान का विशेष स्पष्टीकरण करते हैं, अनुभूति का विशेष, वेद ज्ञान का स्पष्टीकरण करते हैं। आया ना, पहला आया था इस अनुभूति से, आया ना प्रभाव का वेद ज्ञान कैसे हुआ, ऐसा सेम प्रश्न हुआ है ना। हा हा यहाँ स्वयं विश्व को, समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर, हा हा हा, मैं मेरी चीज विश्व को प्रकाशित करने में चतुर और विकास में ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त है, ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा अपनी बात करते हैं। भगवान आत्मा तो समस्त को जानने देखने वाला है, सर्वज्ञ हुआ है या नहीं, तो आत्मा ही सर्व को जानने देखने वाला है बस। स्वयं पुता अपने से है, यूं ये उस विश्व है ना कि है नहीं है, विश्व को प्रकाशित करने में चतुर और विकास रूप ऐसी, हा हा हा, निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त है, विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त है, ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र, हा ऐसा मेरा चैतन्य शक्ति मात्र, हा कैसी चैतन्य शक्ति है कि स्वयं विश्व को प्रकाशित करने में चतुर, विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र, स्वभाव भाव के द्वारा ऐसा स्वभाव भाव चैतन्य शक्ति मात्र भाव के द्वारा, चैतन्य स्वभाव का स्वभाव द्वारा, चैतन्य शक्ति का स्वभाव द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। आ हा, देखो भगवान आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूं, सर्वज्ञ की बात नहीं है, आत्मा ही सर्व विश्व ने जानने देखने वाली शक्ति वाला है। ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र, ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र राजा दी, उसमें कुछ नहीं, ऐसा स्वभाव भाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। के परमार्थ से मैं एक हूं, हम समझाए हूं परमार्थ एक हूं, ऐसा विकल्प क्या नहीं, पर समझा रहे क्या हूं, समझा मुशी के अंतर में परमार्थ एक रूप विनायक चैतन्य शक्ति ऐसा स्वभाव, तो विश्व सारी चीज रुका लोक सबको जानने देखने वाला मैं, ऐसी मेरी शक्ति क्या, ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है, ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। इंद्रियों से मन से जानते ही नहीं हम क्या है।
चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। चैतन्य शक्ति स्वभाव भाव जो सर्व समस्त वस्तु विश्व का जाने देखने वाला, ऐसा मेरा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है। परमार्थ में एक हूं मैं तो एक स्वरूप ही ज्ञाता दृष्टा हूं, एक ही हूं, दूसरा का संबंध मेरे में नहीं। इसलिए यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण भगा एक क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र में जहां भगवान आत्मा है त्या धर्मासिया धर्मासिया आकाश का आप खुद को भले हो, एक क्षेत्र में छह द्रव्य यहां है, थोड़ा आत्मदेव भले नहीं धर्मासी त्या चैतन्य शक्ति स्वभाव भाव त्या बीजा दूसरा द्रव्य क्षेत्र है, अनंता परमाणु है, धर्मास्थी काय का असंग दिशा धर्म का असंग है, काव का असंग अच्छा लुपा सिंह में बाद में एक परस्पर साधारण अवगा एक क्षेत्र अवगा साधारण अवगा हमारा निवारण करना अशक होने से ये निवारण करना छोड़ अशक है। एक क्षेत्र में जहां भगवान चैतन्य शक्ति मात्र भगवान आत्मा जानना देखना भाव वाला है, एक क्षेत्र में भी दूसरा पदार्थ है तो उसका अभाव करना अशक है, निवारण करना अशक है। देखो उसने ऐसा कहा था कि विकार पणे प्रणमना मेरे में अशक है, हम एक क्षेत्र दूसरी चीज है उसको हटा देना अशक है। टीका थी टीका से एक क्षेत्र में होने पर भी मैं तो विनायक स्वभाव एक रूप हूं चैतन्य वाला हूं, ये क्या है उसको भी मैं जानने देखने वाला हूं, है एक क्षेत्र है तो उससे दूर करना ऐसा सच है होता है वो बस आप शब्द क्या लिया है, समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण होगा आत्मा है क्या पर है, पर है क्या आत्मा है ना, परस्पर होगा है एक क्षेत्र में जू आवाज ही सर्वज्ञ शिवाय क्या ऐसी बात जानने वाला देखने वाला एक स्वरूप क्या है, दूसरा द्रव्य है एक क्षेत्र है। समस्त द्रव्यों के अनंत द्रव्यों जहां भगवान आत्मा है कि अनंत अनंत परमाणु नो खंड ऐसा अनंत खंड है, एक एक प्रदेश में अनंत परमाणु का खंड ऐसा अनंत खंड ऐसा असंग प्रदेश भगवान है त्या अनंत अनंत परमाणु का खंड अनंत खंड एक क्षेत्र अवगा है, एक क्षेत्र ना अवगाहन में है। अरे आई बात सतह तेनो अभाव करव अशक्य है, पण तेने पोतामा रहीने पोताने जाणवू ई जाणवामां ई जाणवू आवी जाय अने राग रूपे न थवू ए अशक्य है, पण ते जाणनार पोताने जाणता ते क्षेत्र अवगमा छे तेने जाणे ए तो मारो स्वभाव छे, सर्व विश्व ने जाणे तो स्वभाव छे। आ,
हो गया निवारण का नाशक होने से। मेरा आत्मा, मेरा आत्मा क्या है, ये विशेष बात। कुमार वचन गुरुदेव।